दे। ओए क्या बात है, चार ही गड्डियां मार कर लाया है? हाँ गाड़ियों का तुमको कैसे मालूम पड़ा जानी? भंवर लाल की बेईमानी का भंवर बहुत बड़ा है शहजादे। माल बाद में चोरी होता है, खबर पहले मिल जाती है। चल इन गाड़ियों का 50,000 ले ले और पतली गली निकल जा। 50,000 रुपए चार गाड़ियों का? भंवर सेठ इंपोर्टेड गाड़ियां लाया हूं, कोई साइकिल नहीं लाया हूं। ओए शहजादे साइकिल होता ना तो मैं जरूर ले लेता। क्या है ना कि छोटी चीज को छुपाना बहुत आसान होता है, बड़ी गाड़ियों को कहां छुपाऊंगा भाई। 1,00,000 ले ले और चलता बन। 1,00,000 रुपए लेने से अच्छा है कि मैं गाड़ियों को आग लगा दूं जानी। भाई तेरी मर्जी है, तेरा माल है आग लगा दे, पर जरा दूर जाकर लगाना वरना खामखा मेरे गोदाम में आग लग जाएगी। आखिरी बार बोल रहा हूं, 5,00,000 रुपए देते हो क्या? 1,00,000 से 1 रुपया ज्यादा नहीं शहजादे, 5,00,000 की बात करता है, पागल हो गया। इसके लिए साइकिल चोरी ठीक है जानी। चल साक्षी ट्रेलर घुमा और गाड़ियां चढ़ा, भंवरलाल से अपनी पटने वाली नहीं है। 50,000 रुपए के लिए सौदा ठुकरा दिया। 50,000? हाँ चल। ए विकी कहाँ जा रहे हो? दूसरा ग्राहक ढूंढने, तेरे भाई से अपनी पटने वाली नहीं है। अरे तू बोल ना, मैं पटा लेता हूँ, मेरा मतलब है मुझसे बात करना। बोल क्या बोलता है? ये गाड़ियां देखी है, 5,00,000 रुपए मांगे थे तेरे भाई से, 4.5 पे अटका हुआ है, 50,000 के लिए नाटक कर रहा है। गॉड भंवरलाल जैसा आदमी, व्हाट अ शेम। अरे इसके लिए तो मैं बैठा हूं ना, मैं देता हूं 5,00,000 इसके, मेरा मतलब है गाड़ियों के। पहले अपने भाई से तो बात कर, फिर पलट गया तो। अरे मैं जबान दे रहा हूं ना, तू गाड़ियां छोड़ और पैसे ले जा। ला। अरे तू शाम को क्लब तो आता है ना जुआ खेलने, ले जाना। ओए फिट है मुँह तेरा, तू पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया, 5,00,000 में हाँ करके आ गया। पाजी साक्षी के सामने मेरी इज्जत का सवाल था। ओए उल्लू के पट्टे, उस लड़की के चक्कर में करवा दिया ना 4,00,000 का घाटा, ओए उस 4,00,000 में तुझे उस जैसी 40 लड़कियां मिल जाती, बेवकूफ ना वे का। ओए कूल डाउन पाजी कूल डाउन, कामा का क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हो? पाजी विक्की पैसे लेने शामी क्लब में तो आएगा ना, आन दो। पत्ते देखते उसके हाथ में खुजली होने लगती है पाजी, साले को 15 मिनट में कंगाल करके भेज दूंगा, 15 मिनट में अपने को ये गड्डिया फोकटे पड़ जानी है। पाजी छोटे की बात भी रह जाएगी, अपना पैसा वसूल हो जाएगा, तू सी अपना दिमाग ठंडा रखो बस पाजी, दिमाग ठंडा रखो बस। आ गया मनहूस। अरे कीड़े पड़े इसके हॉर्न में, जरा अपनी लाडली भांजी से तो पूछो इस लड़के से उसका क्या रिश्ता है। कभी कहती है बॉस है, कभी कहती है दोस्त है। वो मेरा प्यार है और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। सुना सुना, कितनी बेशर्मी से प्यार और शादी की बातें कर रही है हमारे सामने। अरे तेरे माँ बाप तो भगवान को प्यारे हो गए, अगर हम तुझे नहीं संभालते तो तू कहीं की भी ना रह जाती। पूछ अपने मामा से, कोई गोद लेने तैयार नहीं था तुझे। और सुन, जिस तरह तेरा यह आशिक रोज गाड़ी बदलता है ना, किसी दिन सवारी भी बदल देगा। ऊपर वाला रहम करे, शकल बता रही है कि घर में महाभारत छिड़ी हुई है जानी। बिन माँ बाप की बेटी को सारी दुनिया गाली देती है, लेकिन मेरी मामी अपनी कहलाने वाली मुझे रोज ताने सुनाती है कि तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगे, लेकिन मेरा मन, मेरा विश्वास, मेरा प्यार नहीं मानता। फिकी मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ, एक सिर्फ तुम्हारे आगे हार जाती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
बहुत प्यार करती हूँ विकी, बहुत प्यार, बहुत प्यार। लेकिन मैं अकेली। हे साक्षी, हे, रो मत। चल मैं तेरे अकेलेपन को दूर कर देता हूँ, हम शादी कर लेते हैं। तुम सच कह रहे हो? ये ले, तेरे सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ। अभी अपना ये बंडल चेहरा ठीक कर। और वो क्या करती है तू तीन बार जानी? ये तुम्हारी कसम के लिए, ये हमारी शादी के लिए, और ये हमारी नई जिंदगी के लिए। और ये तुम्हारे रोने के लिए। आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पैसे निकाल और इंतजार करता रहे। तुमने मुझे टोपी लगा के ये सौदा किया, लेकिन मैं जबान दे चुका था। शाबाश जानी, तीनों भाइयों में तू भी जुबान के पक्के हो। हाँ विके, चल उस टेबल पे बैठते हैं। मैं खेलने नहीं आया। हर बार यहाँ कैश लेने आता है, आज देने आया था क्या? जो खेल नहीं रहा है। अरे नहीं गुल्लू भाई, चार गाड़ियों का 5 लाख वसूल करके जा रहा है ये। ओए छोटे, तूने क्या इसे चेक पेमेंट किया क्या? इसको कैश दे, कैश तब खेलेगा ये। जानी, पूरा का पूरा कैश है 5 लाख, और मैं नहीं खेलूंगा। और कमाल है, आज तेरे हाथों में खुजली होने के बजाय तेरे माथे पे पसीना आ रहा है। चलो विकी। अरे साक्षी को रंजीत घर छोड़ देगा, चल हम खेलते हैं। गुलू, मैंने आज से जुआ खेलना छोड़ दिया है। क्या जुआ खेलना छोड़ दिया है? ओ सुनो, इसने आज से जुआ खेलना छोड़ दिया है। ओ जुआ खेलना छोड़ दिया है या मंजे हुए खिलाड़ी के सामने घुटने टेक दिए हैं? अरे नहीं गुल्लू भाई, विक्की इसलिए नहीं खेल रहा क्योंकि वो साक्षी की शादी के लिए पैसे जमा कर रहा है। ओए खोटी बात ना कर रंजीते, ये तो साक्षी को उसकी मामी से खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा है। गुलू, विकी खेलेगा। हाँ, आज तुम्हारे साथ विकी खेलेगा। तुम्हें मेरी कसम विकी, सिर्फ आज के दिन तुम जरूर खेलोगे। चल आजा। हम नए ताश के साथ खेलेंगे, पत्ते ना तुम बांटोगे ना मैं, साक्षी बांटेगी। मैं सिर्फ एक ही दाव खेलूंगा, पूरे 5 लाख रुपए। क्यों, हाथों में खुजली होने के बजाय माथे पे पसीना आ रहा है क्या? मंजे हुए खिलाड़ी के पास कैश कम पड़ रहा है या जिगर? अरे जा जा, खेलता हूं ना। छोटे निकाल 5 लाख रुपया। भैया से मैं क्या कहूंगा? भैया से कह देना खानदान की इज्जत का सवाल था।
अभी एक दांव और खेलेगा? मैंने पहले ही कहा था। कहने से क्या होता है, तू इस तरह यहां से जीत कर नहीं जा सकता। और अगर हार जाता तो? अगर गेम छोड़कर जाएगा तो हड्डी भी तोड़वाएगा और पैसे भी कमाएगा। देख गुल्लू, मैं यहां लड़ने नहीं आया हूं। लड़ने नहीं आया? देखिए पैसे मैं जीत चुका हूं। तो अब हार क्या जा? मैंने तुझसे कहा था मैं एक ही दांव खेलूंगा। एक ही दांव खेलेगा? बोल तो खेल। अरे और मेरे को मालूम पड़ गया तो क्या होगा? विकी मर चुका है, चल भाग। पकड़ो इन्हें, भागने ना पाए। लाल जी, अभी अभी वारिस पर खबर मिली कि उन दोनों ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम उन दोनों को वो सजा देंगे कि न तुम उसे हाथ लगाओगे और ना ही कानून उसे सजा देगा। कुल्लू की मौत एक हादसा थी और वह सुअर विक्की भी हादसे का शिकार होगा। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वो कौन से पुलिस स्टेशन में है। हाँ हाँ हो जाएगा। हमारे भाई की मौत एक हादसा थी। रंजीत ने मुझे सब कुछ बता दिया है। विकी बेकसूर है, इसे जाने दो। टैम टैम की बात है भाई, उसका वक्त आ गया था तो वो चला गया। तुम्हारा वक्त आएगा तो तुम भी जाओगे। जाओ, तुम दोनों आजाद हो। ये तुम्हारी हिम्मत के लिए, ये हमारे विश्वास के लिए और ये हमारी आजादी के लिए और ये हमारे कभी ना छूटने वाले साथ के लिए। Thank you.
साक्षी भाग भाग। अरे एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ? Bon voyage. Happy journey. Thank you. I appreciate it. Bye. अच्छा तरीका निकाला है हमसे बचने का। पाजी, चढ़ा दो गाड़ी इस पे। Mm.